हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना दूसरा गुलदाउदी का प्लांट, जो कि ये कुछ इस तरह का है। और जो इसके फ्लावर है थोड़े ऑरेंज से हैं और थोड़े रेडिश भी है। देख सकते हो आप कितने फ्लावर्स इस पे खिले हुए हैं और बहुत ही हेल्दी फ्लावर्स है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे किया। तो और जो ये प्लांट है ना, मैंने ग्राउंड में लगाया हुआ है और इसको अभी 2 मंथ ही हुए हैं और देखिए कितना घना हो गया है। यहाँ पे यहाँ तक आ गया, मतलब यहाँ नहीं है, ये नीचे यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, बेसिकली ये यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसकी रूट्स है और मैंने ना इस पे जो इतने फ्लावर्स खिल रहे हैं वो उसका कारण है। इसमें मैंने यहाँ पे एग्स डाले हुए हैं, आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट सभी। तो एग्स मतलब अंडे जो होते हैं उनके छिलके डाले थे, जिस वजह से इस पे इतने सारे फ्लावर्स खिले हैं, अदरवाइज नहीं खिलते क्योंकि 2 मंथ में ये इतनी बड़ी हो गई। और यहाँ पे मेरी हेज है, मैंने यहाँ पे एक हेज बनाई हुई है, तो मैंने उसको कवर करने के लिए ताकि वो अच्छी लगे, लुक अच्छा लगे उसको, तो मैंने इसको ना यहाँ से इसको इस तरीके से बांधा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टिक लगाई हुई है ताकि ये इधर को बैंड हो जाए, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है मेरे गार्डन को। थोड़ी सी हेज है मेरे गार्डन में ये, और बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब लुक देती है। ये देखिए कितने फ्लावर्स इस पे खिल रहे हैं और अभी भी खिलेंगे, ब्लूमिंग हो ही रही है। बहुत ही मतलब फ्लावर्स भी ना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा फ्लावर है। देख सकते हो आप कितना हेल्दी है, ये तो काफ़ी दिन का फ्लावर हो गया है और यहाँ भी है देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो तो आप भी अपने गार्डन में गुलदाउदी ज़रूर ऐड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, सी यू।